कोतवाली क्षेत्र में ट्रैक्टर की बैटरी चोरी किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं पीड़ित द्वारा पुलिस में शिकायत की गई तो पुलिस द्वारा पूरे मामले में जांच पड़ताल भी की गई। आइए आप भी देखिए। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति अपने चेहरे को ढककर हाथ में बैटरी लेकर जा रहा है और सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब बता दें कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और कहां का है। थाना कोतवाली क्षेत्र के यादव नगर बोट सिंह यादव वाली गली का यह वीडियो है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है किस तरीके से एक व्यक्ति हाथों में बैटरी लेकर तेज रफ्तार में चला जा रहा है। बता दें कि यहाँ के रहने वाले दलवीर सिंह यादव का ट्रैक्टर घर के बाहर खड़ा था और रात्रि में करीब 2 बजे के समय उनके ट्रैक्टर से बैटरी चोरी कर ली गई। जब उन्होंने मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो उसमें बैटरी चोरी कर ले जाते हुए एक युवक दिखाई दे रहा था। वहीं पूरे मामले में पीड़ित द्वारा थाने पर तहरीर दी गई तो तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और यहां पूरी घटना का बारीकी से निरीक्षण किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मौके पर पुलिस मौजूद है। वहीं पूरी घटना को लेकर समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष बोट सिंह यादव ने क्या कुछ बताया, यह जरा आप भी सुनिए। परसों की रात में करीब 1 बजे के समय में एक चोर आया और यहाँ जाके रघुवीर सिंह की दीवार पे चढ़ा। छोटा सा उनका दीवार है, उस पे चढ़ा तो उस समय उनका बच्चा जो है टॉयलेट करने बाहर निकला तो उसने आवाज दी तो एकदम कूदा नीचे और भागा। तो एक तो भाग गया। थोड़ी देर बाद 2 लड़के मोटरसाइकिल से आए पत्तल वाली गोदाम से, पत्तल गोदाम जो है उनकी गुप्ता जी की उस गली से, और वहां के उधर ही मोटरसाइकिल खड़ी करी। मोटरसाइकिल खड़ी करने के बाद में उन्होंने दोनों ने अपना थोड़ी देर बातचीत करी। उसके बाद दोनों चल के आए यहाँ पर। एक आदमी गली में खड़ा हो गया जहां पर ट्रैक्टर खड़ा था और एक ट्रैक्टर से बैटरी चोरी करी और करने के बाद इसी गली से दोबारा वहीं उसी बाइक पर चला गया और वहां बाइक पर एक ने रख ली बैटरी और एक आदमी चलाने लगा और निकल गया उधर रात में। कब की घटना है ये परसों की है, यानी आज तारीख कितनी है? 9 है तो 7 10 तारीख है। 10 है तो 8 तारीख की है। पहले भी यहाँ कोई ऐसी घटना हुई है? ऐसी बड़ी वारदात पहले नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है एक दो बार चेन स्केचिंग हुई है यहाँ, तो वो दिन में हुई है, दिन में औरतें वगैरह ने हुई है तो, लेकिन उस पर लोगों ने ध्यान ही नहीं दे पाया, बाइक से आया लेके भाग गया। उसके बाद हमने एक बार पहले कप्तान साहब से कह के भी कहा था कि मोहल्ला बड़ा हो गया है, रात को थोड़ा सा कोबरा बकरा आना चाहिए, तो कभी कभी कोबरा आता भी है कभी नहीं भी आता है। तो कोबरा आता तो उससे हॉर्न वगैरह बज जाता, स्वर से साइलेंट लोग होते हैं, वो जग भी जाते हैं और वो भी सोच लेते हैं, लेकिन 2-4 दिन से कभी कभी कोबरा भी नहीं आया है। हो सकता है कि कोबरा का नाना अकस्मात का कार्यक्रम हो, उन्हें और कोई कार्यक्रम लग गया हो, लेकिन यहाँ ऐसी वारदात बड़ी नहीं हुई थी। लेकिन ये जो हुआ है, ये बैटरी चोरी हो जाना, और ये बहुत छोटे बड़े स्तर का कोई चोर नहीं है, ये कोई छोटे स्तर के लोग हैं और जो इस स्तर की चोरी करके मोहल्ले का जो माहौल है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमने सूचना करी थी आगरा गेट पर कि ऐसी ऐसी बात है, तो सीसीटीवी में वो आ रहे थे लोग, शक के आधार पर हमने वो बताया भाई एक किसी उन्होंने जिसकी बैटरी चोरी हुई है, उन्होंने शक के आधार बताया कि इसकी हमारी पहचान जा रही है, तो उनको बताया भी है। और बाकी ये कि किसी तरह से मोहल्ले में सौहार्द बना रहे और कोई ऐसी घटना ना हो, और सभी लोग जो इकट्ठे हुए थे, पुलिस भी आई थी, तो उन लोगों ने जिन पर शक गई थी उन्होंने 112 को फोन करके बुलाई थी पुलिस। हमारी तरफ से कोई अभी पुलिस नहीं बुलाई थी, पुलिस तो हमने उस दिन बुलाई थी जिस दिन रात को वारदात हुई थी। तो उस दिन योगेश कुमार जी जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो यहाँ SI वहाँ से आए थे और उन्होंने फुटेज भी ले गए, शॉर्ट सीन भी ले गए और ये बताया ऐसी वारदात न हो। थोड़ा बहुत पुलिस के लिए ये मदद थी कि हमारी रात को एक दो बार अगर कोबरा घूम जाएगा तो मोहल्ले में ऐसी वारदात नहीं होगी।